Good morning, all of you. Highlights on tangents and normals. कुछ हाईलाइट तो एकदम सेम, कुछ क्या मतलब सारी हाईलाइट सेम है वैसे तो, वो किसकी तरह, एलिप्स की तरह, सेम टू सेम. ठीक है, हाईलाइट नंबर वन, इसलिए हम प्रूफ नहीं करेंगे उनके, हम सिर्फ लिखेंगे बस. प्रूफ ऑलरेडी एलिप्स के अंदर हो चुके हैं. ठीक है, लोकस ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स, लोकस ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स drawn from foci, drawn from foci of the hyperbola, drawn from foci of the hyperbola upon a variable tangent is its auxiliary circle, is its auxiliary circle, and product of their length of perpendicular and product of their length of perpendiculars will be square of semi-conjugate axis, and product of their length of perpendiculars will be square of semi-conjugate axis, that is b square. हम जो भी लिख रहे हैं हम हमारे हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन के लिए लिख रहे हैं. हम तो जो भी लिखते हैं इसी के लिए लिखते हैं, फिलहाल तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए लिख रहे हैं. सेम चीज है एकदम, बिल्कुल पहली हाईलाइट एलिप्स में भी यही लिखाई गई है. किसी भी टेंजेंट पर फोकी से अगर परपेंडिकुलर डाले जाएंगे तो उनके फीट हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल पे लाए करेंगे, और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के बराबर हो. वहां जो माइनर था यहां पे फिलहाल हमारे लिए कॉन्जुगेट है. हाईलाइट नंबर टू, द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द करेस्पॉन्डिंग फोकस, सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द करेस्पॉन्डिंग फोकस पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री. ठीक है, हाईलाइट नंबर थ्री, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला. हमने एलिप्स में एक चीज देखी थी, एलिप्स के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट और नॉर्मल बनाया जाए तो वो हमेशा उसकी फोकल रेडियाई दो होती है ना, इसलिए प्लूरल है, हमेशा उनके फोकल रेडियाई को बाइसेक करता है. एलिप्स के केस में ऐसा देखा था, याद ही नहीं आ रहा. PF1 PF2 को हमेशा उस पी पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर का काम करते हैं PF1 और PF2 के लिए, यानी कि F1 पे रखे लाइट सोर्स से निकलने वाली लाइट रेज एलिप्स के इंटरनल सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद F2 से पास होती है एंड वाइस वर्सा. सेम टू सेम चीज, सेम मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट P है, इस P पे मैंने एक तो बनाई टेंजेंट
एक बनाया मैंने नॉर्मल, और अब बनाया इसकी फोकी, ठीक है, फोकी इज एफ टू। इसमें और सुनना ध्यान से, दिस इज माय ए वन, दिस इज माय ए टू, टेंजेंट मान लीजिए टी पे कट करती है और नॉर्मल मान लेते हैं जी पे कट करता है। सुनो 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 ध्यान से, मैं फिर से वही बात कह रहा हूं सेम। इन केस ऑफ हाइपरबोला आल्सो माय टेंजेंट एंड नॉर्मल बाइसेक्ट द पॉइंट, बाइसेक्ट द फोकल रेडी, फोकल रेडियाई ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट पी की फोकल रेडियाई कौन है, पी एफ वन और पी एफ टू। इसे टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये एंगल बराबर है, ठीक है। यानी कि लिसन वेरी वेरी केयरफुली, जो लाइट रे, जो लाइट रे एफ वन की तरफ आ रही होगी हाइपरबोला के एक्सटर्नल सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद एफ टू की तरफ जाती प्रतीत होगी। पहुंचेगी नहीं, अरे पहुंचेगी नहीं भाई, क्यों? क्योंकि जब वो F2 की तरफ, बहुत प्यारी चीज है ये, वो जब वो F2 की तरफ पहुंचेगी तो पहुंचने से पहले फिर हाइपरबोला बीच में आ जाएगा, फिर हाइपरबोला के एक्सटर्नल सरफेस से रिफ्लेक्शन हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर F1 की तरफ जाने लगेगी, फिर वापस F2। तो इट दिस दैट विल बी एन इनफाइनाइट लूप, कुछ कुछ भाग, कुछ कुछ भाग, कुछ कुछ भाग, कुछ कुछ होगा, कुछ नहीं उसका, वो F2 F1 F1 F2 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 F1 यही चलता रहेगा बस, ठीक है। लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी वही है सेम टू सेम जो एलिप्स की थी। द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट, अबे गधेड़ी पागल बेवकूफ मेंटल केस, हाँ सबास ये पता है दूसरा रिफ्लेक्शन कैसे कराया? मैं बनाऊंगा नहीं, मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मैं बहुत अच्छा फोटो बनाई इसने दूसरा रिफ्लेक्शन कैसे कराया? ये F1 की तरफ लाइट रे आ रही है, आ रही है, आ रही है, रिफ्लेक्ट होके F2 की तरफ पहुंची, फिर वो वापस F1, तो यहाँ F2 से रे निकाल के ऐसे घुमा के F1 पे लगी, देखो रिफ्लेक्शन घुमाया था उसने। अब वो कुछ भी बोल ले, यहाँ से ऐसे तो छोड़ेगी नहीं ना, ऐसे तो F1 की तरफ जाएगा नहीं, तो ऐसे घुमा के ऐसे सुन, बताओ आदमी फोटो बनाने के लिए कैसे घुमाया था रे को, तो रे घूमती भी जाएगी मतलब, हाँ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है बीच में, तो सूडो फोर्स लग के बाहर चली गई फिर वापस आ गई, व्हाट इज दिस यार सर्कुलर मोशन रे कैसे जाएगी, कौन सी लगाते हैं जैसे फुटबॉल वाले, फुटबॉल नहीं गोल करते हैं, बाहर जा रही है, बाहर जा रही, बाहर हो गया भाई सही में, या तो मुझे लगता है कैमरामैन ऐसी जगह से लेता है, अच्छा सही में, सही में ऐसे मारते हैं, मुझे तो लगता है कैमरामैन ऐसे लेता है, देखो बाहर जा रही, बाहर जा, ओ इधर से लिया, एक गोल हो गया, व्हाट इज दिस यार, मजाक चल रहा है भाई, मुझे पता है भाई, मुझे ये भी पता है उसको एयर प्रेशर लगता है इसलिए स्विंग करती है, गीला थोड़ी बिल्कुल ही मतलब यार भैया, हाँ यार वर्णौली वर्णौली मुझे पता है इतना फिजिक्स तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन सीन बहुत सेक्सी होता है भाई सर, पता नहीं कैसे मारते हैं यार किक, रामधन। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लिख रहे थे क्या, मैंने कुछ बोलना चालू कर दिया था, आओ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ अ हाइपरबोला बाइसेक्ट the angle between, bisect the angle between the focal radii, bisect the angle between the focal radii, hence an incoming light ray and incoming light ray aimed towards
F1 is reflected from the outer surface of the hyperbola towards F2 and so on. इसका उल्टा भी हो सकता है. F1 पे रखे लाइट सोर्स से निकलने वाली लाइट रे हाइपरबोला के इंटरनल सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम F2. यहां खड़े ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा जैसे वो लाइट रे जो है वो F2 से आ रही है, ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद यहां जो ऑब्जर्वर होगा. इतनी अच्छी आईज बना लेते हो क्या आप लोग हैं? मेरा मास्टर ऐसे ही बनाता था इसलिए मेरे को यही आती है, सॉरी. अब तुम्हारा मास्टर ज्यादा फैंसी बनाता हो तो वो एक अलग बात है, ऐसे बनाता ही नहीं होगा तुम्हारा मास्टर, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है. बनाया तुम्हारे मास्टर ने कभी क्या एस एम टोर्च पे? वॉट इज दिस एस एम टोर्च? ये पूरा हो गया है? अच्छा, अब लालची इनर वाला लिखाना थोड़ी है यार, प्लीज हट. अब सुनो, इंसान जो लालची प्रवृत्ति का बचपन से आप लोग जिसे जानते हैं, उसने इसके अंदर भी एक बहुत सी थ्योरी निकाल ली. ठीक है, अब वो थ्योरी देखो कौन सी निकाली. पहले तो कलर बताओ कौन सा बचा, ग्रीन. ठीक है, लो सुनो रे. ला 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 क्या बनाया? सर्कल कहाँ लग रहा है गीले? इतनी बुरी ड्राइंग थोड़ी मेरी, ये सर्कल लग रहा है तेरे को हैं मुंगेरी लाल? नहीं, कोई नहीं मान सकते भैया, कुछ नहीं मानना. इट्स एन एलिप्स. बहुत बढ़िया चीज सुनो, अगर एक एलिप्स और एक हाइपरबोला, इफ एन एलिप्स एंड अ हाइपरबोला आर कॉनफोकल, कॉनफोकल मतलब होता है अगर इफ दे शेयर द सेम फोकी, अगर उनके फोकी सेम है. यही फोकी सपोज कर लो एलिप्स के हैं और यही फोकी हाइपरबोला के लिए भी, तो ये PF1 PF2 जो है क्या वो फोकल रेडी काम करेंगे? P पॉइंट मैंने फिलहाल जो लिया है वो एलिप्स पे भी आ रहा है और हाइपरबोला भी आ रहा है, समझना ढंग से. अगर PF1 PF2 दोनों के लिए फोकल रेडी हैं तो इन पे खींची गई टेंजेंट नॉर्मल दोनों के लिए बाइसेक्टर काम करेंगे. लेकिन जो हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है वो एलिप्स के लिए नॉर्मल का काम करेगा, जो हाइपरबोला के लिए नॉर्मल है वो एलिप्स के लिए टेंजेंट का काम करेगी. मास्टर कैसे सोचा, कैसे सोचा? अरे यार अभी तो समझा रहा हूं भाई. PF1 PF2 दोनों के लिए फोकल रेडी है या नहीं? दोनों के लिए हमें पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट नॉर्मल एक्स एट द बाइसेक्टर ऑफ PF1 एफ PF2, यानी कि बाइसेक्टर है दोनों के लिए, तो यानी कि ये दोनों के टेंजेंट नॉर्मल है. लेकिन एक का टेंजेंट दूसरे के लिए नॉर्मल है, यानी कि ये ऑर्थोगोनली कट करते हैं, दे इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, बिकॉज उन दोनों की जो टेंजेंट्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर. ठीक है, चूंकि ये यहां हो रहा है इसलिए ये यहां यहां और यहां 100% होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है. कुछ समझ में आ रही मेरी बातें? नहीं समझ में आ रही? एज दे आर सिमेट्रिक इन ऑल द फोर क्वाड्रेंट्स, तो जैसा पी पे हो रहा है वैसा इस पे भी होगा. अगर चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री ऑफ एंगल आ रहा है, इसका मतलब मैं इन दोनों कर्व्स को ऑर्थोगोनल कह सकता हूं. क्लियर है? चलिए, इफ एन एलिप्स एंड हाइपरबोला, इफ एन एलिप्स एंड हाइपरबोला इसे इत्तफाक माना जाए या इंटेंशन था? तुम्हारा भी एलिप्स ग्रीन कलर का है, नहीं ग्रीन क्यों है? मैं ऐसे लड़कियों से क्वेश्चन पूछता ही नहीं हूँ भाई. क्यों तुम्हें पूछता ही नहीं? क्यों है मतलब? तुमने बनाया इसलिए है, मैं गेला थोड़ी हूँ. इसने ग्रीन से ड्रॉ किया इसलिए ग्रीन है. मतलब मैंने भी ग्रीन से बनाया, तुमने भी ग्रीन से बनाया, ये इत्तफाक माना जाए इसे या मेरे पे विश्वास माना जाए? तो दूसरा ऑप्शन तो रहा ही नहीं, मतलब पहला ही है. इत्तफाक ना? हाँ मुझे पता है ना पहला आंसर है, लड़कियों के केस में दूसरा आंसर मान ही नहीं सकता ना. मेरे पे विश्वास? नहीं नहीं भाई, किसी पे विश्वास थोड़ी कर सकती महिलाएं ना. इफ एन एलिप्स एंड हाइपरबोला
Have the same foci. Have the same foci. They cut at right angles. They cut at right angles at their point of intersection. At their point of intersection, or they are orthogonal curves. They are orthogonal curves. For example, x square by a square plus y square by b square is equals to 1. X square upon a square minus k square minus y square upon k square minus b square is equals to 1 are confocal, hence they are orthogonal curves. ये आप कर चुके हैं tangent normal नाम के chapter में, जहां पे हम इन्हें orthogonal prove कर चुके हैं. बट अब हम बड़े हो गए हैं तो अब हमें इनके ऑर्थोगोनल होने का एक रीजन और पता पड़ गया कि दे आर कॉन्फोकल. मास्टर तेरे को कैसे समझ में आया कि कॉन्फोकल है? पहले तो के क्या है? सुनो, के एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि ए से तो छोटी है, यानी कि ए के से बड़ा है और बी से बड़ी है, तभी तो हाइपरबोला बनेगा ना. ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी तो हाइपरबोला बनेगा भाई. ठीक है, ये कॉन्फोकल है कैसे बता सकते हैं? फोकस कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और कैसे हैं? इसके कोऑर्डिनेट देखना, फोकस के. सुन रहे हो क्या? इसके फोकस कोऑर्डिनेट बोलूं, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा जीरो. हम तो मर गए सनम, चमक तो किसी को सकता ही नहीं, इतनी जल्दी कैसे चमक गया किसी को है? ए स्क्वायर ई स्क्वायर नहीं होता रे ढक्कन, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो होते हैं फोकस के. नाउ ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर एन एलिप्स, तो ए कितना हुआ? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और इसके लिए भी ए कॉमा जीरो होते हैं, लेकिन इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी कि इन दोनों का सम. तो इन दोनों का सम करोगे तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा. तो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा जीरो इन दोनों के फोकी के कोऑर्डिनेट्स हैं. कुछ समझ आया? तो अगर फोकी कोऑर्डिनेट सेम है तो कॉन फोकल है तो देयर विल बी ऑर्थोगोनल. समझ गए? ठीक, इसकी ऑर्थोगोनलिटी आप वैसे भी चेक कर सकते हो जैसे कैलकुलस में सिखाई गई है. एक्स एंड वाई वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान के दोनों के लिए टेंजेंट के स्लोप निकालिए, उन टेंजेंट्स के स्लोप को जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको माइनस वन मिल जाएगा. मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. खैर चलिए, अब कुछ ऐसा विच मेक्स द हाइपरबोला डिफरेंट देन एलिप्स एंड दैट इज एसिम्प्टोट्स. ऑब्वियस ही बात है, ऐसा बोलने वाले ना, ऑब्वियस सी बात है. हाँ ठीक, चीटिंग करी मैंने. आई डिड चीटिंग. सी सेइंग साले तूने पहले पी पॉइंट से पास करा दी, तू नहीं कराता तू कहीं नीचे इंटरसेक्ट कराया था तो. सी सेइंग दिस, मैंने चीटिंग करी. पहले नहीं बोल सकती जब फोटो बनी हुई थी. बावली तरस ही नहीं आता है. अरे भैया मैं तुझसे लड़ थोड़ी रहा हूं यार, सेंटी होगी तेरे लिए बना रहा हूं दोबारा. Yes.
देख लो रे अब मैडम आप भी समझिए ढंग से। एक प्रीत जी, ओ एक प्रीत सुन लो बच्चे से। अब पी पॉइंट नहीं बनाया ना मैंने पहले से, मैंने एक एलिप्स बनाया और एक हाइपरबोला बनाया, ठीक है। एंड व्हाट आई एम सेइंग, दे आर कॉन्फोकल। कॉन्फोकल मतलब ऐसा तो मान सकते हैं ना, ऐसे तो दो चीजें हो सकती है ना जिनके फोकस से मुझे नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो आप पागल बना रहे हो। एग्जाम्पल भी मैंने इसीलिए दिया कि दो ऐसे कर्व हैं जिनके फोकस, जिनके फोकी सेम है, तो दो कौन फोकल कर्व्स हो तो सकते हैं, तो ये हैं, ठीक। मैंने पहले से पी पॉइंट इंटरसेक्शन नहीं लिया है, अब तो ले लूँ इसको पी मान लूँ या कोई और दूसरा पॉइंट मान लूँ, तुम्हें पी बुरा लग रहा हो तो मान लो पी, ठीक है। खुशफुस खुशफुस खास पास गैस पास, ये इनकी वो क्या बोलते हैं ना, फोकल रेडियस। ओके PF1 PF2। अच्छा अब इनके बाइसेक्टर बना लो, तो इनके जब मैंने बाइसेक्टर बना के देखे ना, तब मेरे को पता पड़ी ये बात जो मैंने बोली थी। अब भी आपको नहीं समझ में आया तो मैं इससे ज्यादा नहीं समझाऊंगा। जब मैंने इनके बाइसेक्टर बनाए तो मुझे पता पड़ा कि इनके जो बाइसेक्टर हैं वो इन दोनों कर्व्स के लिए टेंजेंट का काम कर रहे थे। इंटरनल बाइसेक्टर हाइपरबोला के लिए टेंजेंट का काम कर रहा था, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एलिप्स के लिए टेंजेंट का काम कर रहा था, क्योंकि ये एलिप्स और हाइपरबोला की प्रॉपर्टीज है कि उनके किसी भी पॉइंट पे बनाई गई टेंजेंट उनकी फोकल रेडियाई को बाइसेक्ट करती है। अरे ये जो बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी है ये इस पॉइंट के लिए भी होल्ड करती है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं ना इस पॉइंट में, मेरा इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में है, क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि ऑर्थोगोनल है। तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में रहेगा ना ऑर्थोगोनलिटी केस में। हाँ, तो मैंने सिर्फ उसी पॉइंट की बात करी जहां इंटरसेक्ट करेंगे उसे तो पी मान सकते हैं। उनको समस्या ये थी कि साले तूने जबरदस्ती पी से पास करा दिया किसी के, तो जिस जहां इंटरसेक्ट करेगा उसे तो पी मान लेंगे ना, उसमें तो दिक्कत नहीं है। उसे हमने जबरदस्ती पी से इसलिए पास कराया था उस केस में क्योंकि हम फोटो वैसे ही बना चुके थे, दोबारा नहीं बनाना चाह रहा था मास्टर, बट तेरे को बर्दाश्त कहाँ होता है, ये साले पैसे दिए पूरी मेहनत कर जो।